ऐतिहासिक जीत हुई है, किस तरह से देखते हैं आप ये? एक जहाँ बहुत खुशी और गहरे संतोष का भी विषय है, वहीं और गहरे आभार का ये कारक है कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने, सरगुजा संभाग के मतदाताओं ने, अंबिकापुर विधानसभा के मतदाताओं ने एक ऐसी विजयश्री दी है जो हमको और मजबूती के साथ जवाबदेही में उनके साथ बांध के रखेगी। इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा परिवर्तन इसी बात का संकेत है कि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस की सरकार से, और इस बड़ी चुनौती को कांग्रेस बखूबी सामना करते हुए, निभाते हुए इस जिम्मेदारी को पूरी करेगी। मेरा मानना है कि इसमें कांग्रेस को जरूर सफलता मिलेगी। सरगुजा की जनता ने देखिए एक चुनाव में भाग लिया इस बात को देखते हुए कि हमको सरगुजा के लिए एक विशेष स्वरूप हमको देखना है। अपने स्थान के लोग इस प्रकार की भावना को लेके जब चलते हैं तो ऐसे परिणाम जो दिख रहे हैं, ऐसे परिणाम कभी कभी सामने आते हैं। कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी बतौर चुनाव लड़ा था कि कोई एक चेहरा नहीं दिया था, तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जो कांग्रेस के सीनियर्स थे वो काम करके लोगों का साथ जुटाने में भी लगे हुए थे। और आज पूरे छत्तीसगढ़ से जो परिणाम आए हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस जनों के लिए सामूहिक रूप से एक बड़ी जवाबदारी की परिस्थिति अब बन गई। बाबा, राज्यों में जीत की स्थिति के बाद क्या 2019 का सेमीफाइनल माना जाए इसे? मैं तो इसको सेंट्रल जोन वाली वो जो क्या विजी ट्रॉफी कहते हैं और टेस्ट मैच कहते हैं, इसको दोनों को उस स्वरूप में देखता हूँ। ये राज्यों के चुनाव की परिस्थिति है तो सेमीफाइनल नहीं मानना चाहिए। इसमें से जो प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है, जिन राज्यों में जो परफॉर्मेंस हुआ है वो टेस्ट मैच की तैयारी है। 2019 का जो चुनाव होगा वो टेस्ट मैच होगा, ये विजिट ट्रॉफी। बाबा आपकी क्वेश्चन, 15 साल हो गए हैं सरगुजा ठहर गया है, और अब क्या लगता है आपके आने के बाद काफ़ी उम्मीदें आपसे, क्या करेंगे सरगुजा के लिए? ये कई बार खतरनाक परिस्थिति भी होती है कि उम्मीदें जितनी बड़ी हुई होती हैं उनको पूरा करना उतना ही कठिन होता है, लेकिन मैंने जीवन में चुनौती को सबसे ज़्यादा सकारात्मक पहलू जीवन का माना है। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी प्रेरणा, तो लोगों ने इतना प्रेम, इतना सपोर्ट, इतना समर्थन, इतना अपनापन जब दिया है तो उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी से मैं काम करने का प्रयास करूँगा, ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूँगा, और ज़रूर सरगुजा अंचल को भी और छत्तीसगढ़ को कुछ ना कुछ पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक अच्छी की स्थिति, बेहतरी की स्थिति, तरक्की की स्थिति, खुशहाली की स्थिति महसूस होगी।